सीएम शिवराज का दिल्ली दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात, राज्य में चल रही योजनाओं की देंगे जानकारी, उपचुनाव की रणनीति पर भी हो सकती है चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात, रतलाम नीमच रेल लाइन के दोहरीकरण को दी मंजूरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री का जताया धन्यवाद। खंडवा सीट के लिए सुरेंद्र सिंह शेरज ने ठोकी ताल, कहा मेरी पत्नी को टिकट मिलना तय, अरुण यादव का नाम सिर्फ खबरों में है। सुरेंद्र सिंह शेरा के चुनाव लड़ने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, सुरेंद्र सिंह शेरा मेरे मित्र, उनके चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने से मेरा कोई सरोकार नहीं। शेरा जी मेरे मित्र हैं, इसलिए आए थे, उनके चुनाव लड़ने या न लड़ने से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर तंज, राहुल गांधी की क्षमता हमने पंजाब में देखी है, छत्तीसगढ़ में दिख रही है, 7 विधायक दिल्ली चले गए। राहुल गांधी का शीर्ष नेतृत्व और नेतृत्व क्षमता पंजाब में दिख रही है, राजस्थान में दिख रही है, छत्तीसगढ़ में दिख रही है, 15 विधायक छत्तीसगढ़ के रवाना हो गए। कमलनाथ की भोपाल वापसी पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कमलनाथ स्वस्थ हो जाएं ये काफी है, कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, कांग्रेस का सर्वे करना केवल शगुफा है। वो स्वस्थ हो जाए यही काफी है, कांग्रेस में वेंटिलेटर पे है। चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा और कांग्रेस में बड़ी सरगर्मियां, दोनों रही हैं जीत का दावा, संभावित प्रत्याशी क्षेत्र में जनता से कर रहे संपर्क। मध्य प्रदेश में जब आदरणीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बनी, तब कमलनाथ जी के द्वारा जनहित की कई घोषणाएं की हैं, जैसे किसानों के कर्ज माफी, 1000 गौशालाएं। आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर 2 अक्टूबर से 15 अगस्त से 2022 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी हीरक महोत्सव मनाने जा रही है, इसके तहत प्रदेश भर में 75 कार्यक्रम कराए जाएंगे। आजादी का 75वां वर्षगांठ चालू हो चुका है और इस 75वें वर्षगांठ को लेकर एआईसीसी से स्पष्ट निर्देश आया है कि इस 75वें वर्षगांठ को बड़े जोर शोर से हमको अमृत महोत्सव कार्यक्रम 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा, प्रचार प्रसार के माध्यम से तहसील एवं जिला स्तर तक लोगों को जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के साथ ही एक स्कीम लॉन्च की गई और स्कीम को 2 अक्टूबर 2021 से आरंभ होकर 14 नवंबर 2021 तक। शमशाबाद सरकारी अस्पताल में पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह के प्रयासों से शमशाबाद में पहली बार दिव्यांगता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बयान के विरोध में डिंडोरी एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान हमारे विद्यालय के खिलाफ कही आतंकवादी है, क्या ये उचित है, आप सभी बताइए।
छात्रा की मांग से सिंदूर भरकर तीन साल तक शोषण करने वाले एबीवीपी के पूर्व महानगर मंत्री शुभांग गोटिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तीन महीनों से था फरार। जबलपुर में माफिया के विरुद्ध प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, रद्दी चौकी में निगरानी शुदा बदमाश के 11,000 वर्ग फुट भूमि में बने गोदाम मार्केट मकान पर चला बुलडोजर। जेडीए की जमीन पर कब्जा किया गया था, उसके ऊपर माफिया विरोधी मुहिम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बड़वा में शिलालेख को लेकर हो रहे विवाद पर आमने सामने हुई बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी के जिला महामंत्री ने लगाया आरोप, कहा कांग्रेस ऊंची राजनीति कर रही है। ऊंची मानसिकता को लेकर कांग्रेस कॉलेज का जो नवीन भवन का लोकार्पण हुआ है, विधायक महोदय का नाम नहीं लिखा है, इसके प्रोटोकॉल को लेकर उन्होंने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया और शिलालेख दोबारा लिखा, नया शिलालेख बनाया जाए। कटनी वेयरहाउस से सप्लाई होने वाले चावल की क्वालिटी खराब, भोपाल से जांच करने गई टीम के महाप्रबंधक ने उठाए सवाल, लैब रिपोर्ट तैयार कर होगी आगे की कार्रवाई। राज्य शासन के द्वारा मध्य प्रदेश में स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को निर्देश दिए गए थे, पीडीएस एवं अन्य साक्षी योजनाओं के अंतर्गत हम जो चावल गेहूँ का वितरण करते हैं, कटनी से जो अन्य जिलों में चावल भेजा गया था उसके संबंध में कई सारी शिकायतें प्राप्त हुई। विलुप्त हो रही संरक्षित बैगा प्रजाति सुविधा के अभाव में तोड़ रहे दम, सड़क के अभाव में इलाज के लिए गोद में लेकर जा रही महिला की रास्ते में मौत। उस दिन में कहीं दिखाया था किसी डॉक्टर बुधार ले जाए, रात में उसका तबियत बिगड़ गया था, 108 को फोन किया गया था, 108 रोड पे आके खड़ा था, रोड न होने के कारण रास्ते में उसको उठा के ले आ रहे थे, वही रास्ते में दम तोड़ दिया बेचारी। चोरों के हौसले बुलंद, पान मसाला गोदाम में चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद, चोर लाखों का ले उड़े सामान। हाँ, ये गंज में जो शराब आता है उसके पास से एक पान मसाले की इनका गोदाम है, जिससे कुछ पान मसाले के जो बड़े कार्टून होते हैं वो चले गए हैं, और जिसके संबंध में पुलिस का लोकार्पण में नहीं बुलाने पर कांग्रेस विधायक निलय डागा नाराज, कॉलेज में दिया धरना, गेट पर लगाया ताला, पुलिस कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने लाई। हाँ, ये गंज में जो शराब आता है उसके पास से एक पान मसाले की इनका गोदाम है, जिससे कुछ पान मसाले के जो बड़े कार्टून होते हैं वो चले गए हैं। पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, स्कूल में पेड़ के नीचे लगते हैं पहली क्लास से लेकर चौथी क्लास तक के बच्चों की रोज क्लासेस। सर, ये पीएफ की जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त है, और अभी जो 20 सितंबर को तेज वर्षा होने की वजह से पूरे कमरों के अंदर पानी आ गया था, कवेलू पूरे टूट चुके हैं, तो पीएससी महोदय पर फोन किए थे, वो लोग आए और उन्होंने उनके छात्र छात्राओं के भविष्य से हो रहा खिलवाड़, धोखाधड़ी कर प्राचार्य ने लिए पैसे, किया फेल, ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुभाष कुमार है। कहाँ से आए? गौरव। आज कलेक्ट्रेट पहुँचे क्या? वहाँ का पदस्थ प्रचार आनंदा सुरे 2016 से वहाँ। अपराध करने की नियत से घूम रहे थे बदमाश, पुलिस ने दबिश देकर तीन बदमाशों को किया गिरफ्तार, दो फरार आरोपियों के कब्जे से एक कार और हथियार किए बरामद। तो एक ढाबे के सामने बंदे की स्थिति में एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी, स्विफ्ट तो डिजायर, जिसमें कुछ लोग थे, उनसे संदेह होने से जब उनको रोका गया तो उन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस। उज्जैन के दानीगेट स्थित हींग के कारखाने पर बुधवार देर रात को खाद्य एवं औषधि विभाग और पुलिस ने की कार्रवाई, 15 लाख रुपए की 585 किलो हींग गोंद जब्त। अभी उज्जैन पुलिस के द्वारा एक बड़ा अभियान चालू किया गया, जिसमें एंटी माफिया अभियान है, जिसमें कई अभियान लिए गए और इसमें फूड एडल्ट्रेशन, मतलब जो ऐसा अपमिश्रण जो लोग कई करते हैं, इस पर भी कार्रवाई। सड़कों की मरम्मत न होने से ग्रामीण परेशान, शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा समाधान, फसल कटाई को लेकर चिंतित हैं किसान।
पुल बस हमने टीएस बना दिए, मंजूर नहीं हो रहा, अभी मुर्मी पैसा ही नहीं है, मुर्मीकरण होगा नहीं हमारे पास, फिर फंड में पैसे ही नहीं है, ये बोल रहे हैं। हर समय हम पंचायत में जाके आवेदन देते हैं कि यार हमारा रास्ता सही करवा दो, मंत्री सरपंच हजारों चक्कर बोल दिया, बस इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। पूरे देश में लगातार किसानों द्वारा तीन केंद्रीय कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत रायपुर भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि देश के किसानों के साथ तानाशाह की तरह व्यवहार। ये जो तीन काले कानून आए हैं, चौधरी युगवीर सिंह ने इसके बारे में बताया और 10 महीने से हर प्रेस में ये चीजें छपी, इन कानूनों से नुकसान कितना होगा, एमएसपी की गारंटी।